हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7 o'clock हो रहे हैं और आज मेरे हस्बैंड की है छुट्टी। छुट्टी नहीं, एक्चुअली छुट्टी लिए हैं। बीच में 2 दिन मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, एक्चुअली बैक पेन हो रहा था, तो 2 दिन से घर पर ही है। और मुझे बैक पेन होता है बहुत डेंजर वाला, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसलिए वो घर पे ही थे। और मैंने क्या किया था ना, मैंने सूटकेस उठा लिया था झटके में, और मुझे मना है बहुत हैवी सामान वगैरह उठाना, डॉक्टर ने मना किया है, तो वही मैंने उठा लिया। इसमें है सब्जी जो मैं कल लेकर आई थी, तो शाम को लाई थी रात को एक्चुअली, तो इसीलिए वैसे ही मैंने रख दिया है। इसमें क्या था, भिंडी और टमाटर, ये सबको अभी वैसे ही छोड़ दी थी, मैं टच भी नहीं की थी, अभी इसको धो के हटाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में सबसे पहले जो क्या बोलते हैं इसको आप लोग, लेवा वगैरह, इस पे ना हम लोग सोते हैं। रात को सोई थी, गद्दा और ये बिछा के सो जाते हैं, हॉल में ही खुला है। और अब नए घर में जाएंगे तो ये बेड वगैरह लेंगे तो सोएंगे आराम से, और बेडरूम में नहीं सोते, उधर ही सोते हैं, हॉल में ही सोते हैं। तो वही सब ब्लैंकेट वगैरह था, क्योंकि यहाँ पे ठंडी लगती है, आप बिना ब्लैंकेट या इसके चादर के नहीं सो सकते, फ़ैन वगैरह ऑन करोगे तो। वही सब मैं पहले सोची कि पहले फोल्ड करके हटा लेती हूँ, और मॉर्निंग में सब जल्दी उठ गए थे तो वही फोल्ड करके मैं यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि कहीं पे जगह नहीं है ना और रखने का, अभी तो कुछ दिन की बात है। उसके बाद सब कुछ आप लोगों को पूरा चेंज मिलेगा, जैसा मेरा पुराना घर था ना वैसा ही, उससे भी वैसा ही सब करके रखूँगी। तो कुछ दिन की बात है, मैश ऐसे ही दिखता है, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी कोई वो भी नहीं है ना, तो अभी हम लोग एक्स्ट्रा कुछ लेना भी नहीं चाहते, इसी में एडजस्ट करते हैं। और अभी ना देखिए सुबह सुबह अपना ब्रश कर रहा था, और मैं सोची कि पहले झाड़ू वाड़ू मार लूँ, तो वही मॉर्निंग में झाड़ू वाड़ू मार रही थी, और उसके बाद ही चाय वही बनाऊँगी। और हस्बैंड वहीं पे बैठ के काम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं आलू बॉईल करने के लिए आलू छिली थी, तो वही सब छिलका वगैरह था, तो फटाफट छिल के कोई भी काम करो ना, और तुरंत तुरंत किचन क्लीन करते जाओ तो अच्छा रहता है, लोड भी नहीं पड़ता है। और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही थी, और उसके बाद मैं चाय बना रही थी अपने लिए। हस्बैंड नॉर्मली चाय नहीं पीना चाहते दूध वाली, मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी नहीं तो फिर ब्लैक टी पीना चाहते हैं, तो मैं अपने लिए ही चाय बना रही थी, क्योंकि मुझे तो बाबा सुबह में चाय चाहिए ही। तो वही चाय बना रही थी, और गैस वो आलू बॉईल करने के लिए रख दी थी, पूरी बनाने की सॉरी सब्जी बनाने के लिए, तो वहाँ पर अभिनव ब्रश वगैरह करके बैठा था। और टाइम अभी बहुत था, 1 घंटा बाकी था क्लास ज्वाइन होने का, और मैं अपने लिए चाय लेकर बैठी थी और हस्बैंड को पूछ रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी बहुत सिंपल तरीके से, तो तेल गरम हो गया था मेरा, तो जीरा और बस तेज़पत्ता डाल दी थी, और प्याज टमाटर थोड़ा सा, मैं लहसुन ना कट करके डाली थी और हरी मिर्च डाली थी, लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट नहीं डाला था। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी मसाला डालो तो ही सब्ज़ी अच्छी बने, कभी कभी सिंपल मसालों से भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और आलू और थोड़ा सा मेरे पास फ्रोजन मटर था तो वो भी मैं डाली थी, तो आलू मटर की सिंपल सी सब्ज़ी ही बनाई थी। और यहाँ पर हल्दी नमक डाल दी थी, क्योंकि मुझे ये भूनते भूनते ही अच्छे से वो करना था, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दी थी, और उसके बाद गरम मसाला पाउडर और डाल के देखिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी थी, मेरे पास एवरेस्ट का था तो वही डाली थी। नॉर्मली मैं MDH का गरम मसाला ही यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है, और इसका भी अच्छा है लेकिन MDH का मुझे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे बॉयल आलू और मटर वगैरह को अच्छे से भून ली थी मैं 5 मिनट, जब भून गया था ना तब आलू डाली थी, और फिर इसको ढक के 5 मिनट पकाऊँगी, फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी, और ग्रेवी जैसा चाहिए वैसा पानी डाल दीजिए। तो देखिए सब्जी अच्छी बनी थी बहुत, और पूरी के साथ बनाई थी, तो सब कोई ड्राई बनाता है कोई। यहाँ पे है अभिनव, देखिए ब्रेक मिला है तो इसका खेलना चालू हो गया है, अभी इसको मिला है, अभी क्लास
से कितनी देर का ब्रेक मिला है अभिनव? 10:20 तक। 10:20 तक का ब्रेक मिला है। उसके बाद फिर आज कितने बजे तक क्लास है? कल तो 1 बजे तक था ना। 11:55 तक। 11:55 तक है। और मैं आलू बॉईल की थी पराठे के लिए, लेकिन हस्बैंड को खाना था पूरी सब्जी, तो मैं वही बना रही हूँ, आलू मटर की सब्जी। और सिंपल सी ही सब्जी बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला वगैरह देकर नहीं बना रही हूँ। और साथ में बनाऊँगी पूरी, और इनको हस्बैंड को और अभिनव को नाश्ता करा के मैं नहाऊँगी और पूजा करूँगी, फिर उसके बाद करूँगी, फिर देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। सब्जी तो रहेगा ही, दाल चावल और कुछ बना दूँगी। सब्जी बन रही है, जा रही हूँ आटा करने के लिए। देखिए यहाँ पे मेरा नाश्ता बन चुका था, तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल रही थी ब्रेकफास्ट, और ये अभिनव के लिए निकाल रही थी, तो वही ले जाकर मैं हस्बैंड को दे रही थी, क्योंकि उनका काम चल रहा था ना, तो थोड़ी देर के लिए उनको टाइम था, तो वही मैं दे रही थी। और अभिनव को मैं ले गई थी देने, तब तक वो दूध का पैकेट लेकर आया था। किधर भाग रहे हैं? मिला? चलो नाश्ता करो। सब्जी कैसा है? अच्छा बना है, मसाला ज्यादा नहीं डाली। आया है मेरा पार्सल, रुकिए आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। और साउंड को इग्नोर कीजिएगा, कौन क्या साउंड आ रहा है? मेरा तीज का चूड़ी मैंने मंगाया था, क्योंकि 9 तारीख को तीज है, 9 या 10 को है शायद, तो साड़ी के लिए भी अभी तो फॉल पी को देना। और मैंने ना इस कलर का ही चूड़ी मंगाया है, क्योंकि ये कलर है ना कि सब पे चलता है। फोकस मरून टाइप में है, और देखिए कैसा है। तो तीज के दिन के लिए मंगाई हूँ, सिंपल सा अच्छा दिख रहा है ना। देखिए ये देखिए, मैंने ना तीज के लिए साड़ी लिया है, एक्चुअली ली नहीं, पहले से था, पिंक कलर का है, सिल्क में है, चंदेरी सिल्क है शायद, मेरी मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो इसका ब्लाउज मुझे देने हैं सिलने के लिए, फॉल पिको के लिए। और ये कलर मेरे पास, ये कलर नहीं था मेरे पास, पिंक में है, तो तीज आ रहा है तो तीज की तैयारियां शुरू करती हूँ। और एक ये देखिए, ये है शिफॉन की साड़ी है, ये एकदम हल्की, मुझे बहुत पसंद है शिफॉन की साड़ी। और ये है इसका ब्लाउज, नेट का है, इसको भी देना है सिलने के लिए। तो अगले महीने आप लोगों को भी पता है तीज है, और कल जाऊंगी मैं ब्लाउज स्टिच करवाऊंगी। तो अच्छा लगता है ना उस टाइम, अच्छे से तैयार व्यार होते हैं तो, और फास्ट भी आपको पता है, पूरे एक दिन पूरा पानी का रहना पड़ता है, निर्जला व्रत रखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि सुबह होते होते बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और चलो चलिए मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा मुझसे। तब तक मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, चलिए तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।